भगवान श्री कृष्ण की यह एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक आदमी अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझता था और अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान मानता था। एक दिन यमराज उस आदमी के पास आए और बोले, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वह आदमी बोला, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो इस पर यमराज बोले, लेकिन सूची में तो तुम्हारा नाम पहला है। यह सुनकर वह आदमी बोला, फिर क्यों ना हम जाने से पहले साथ में बैठकर चाय पी लें। यमराज बोले, ठीक है। उस आदमी ने चाय में नींद की गोली मिलाकर यमराज को दे दी। यमराज ने चाय खत्म की और गहरी नींद में सो गया। वह आदमी ने अपना नाम सूची में से जो सबसे पहले लिखा था उसे काट कर हटा कर अंत में लिख दिया। जब यमराज को होश आया तो वह उस आदमी से बोले, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा इसलिए मैं अब सूची अंत से चालू करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, अर्थात जो तुम्हारी किस्मत में है वह कोई नहीं बदल सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और इसी पे भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। जब समय सही रहेगा, परिस्थितियां सही रहेगी, तभी आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।